नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ताज़ा खबर आ रही है। आयुक्त जयश्री क्यावत के निर्देश हैं, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को अनिवार्यता यह कार्य करना है। इसकी दिनांक भी उन्होंने निर्देश में दी है। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक अध्यापक देखें और इस पर अपने विचार अवश्य लिखें। उन्होंने यह निर्देश मध्य प्रदेश के सभी जिले के लिए दिए हैं, यानी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं यह कार्य कि वो समीक्षा भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, जयश्री क्यावत हैं आयुक्त लोक शिक्षा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2019-20 की छात्रवृत्ति की जिलेवार रिपोर्ट संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि जिलों द्वारा प्रोफाइल दर्ज छात्रों की अंतिम रूप से छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं लॉक न करने के कारण पात्रता के बावजूद भी छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। जो छात्रवृत्ति जैसी हितग्राही मूलक योजना में अत्यंत लापरवाहीपूर्ण कृत्य है, प्रोफाइल अपडेशन के बाद केवल अंतिम रूप से छात्रवृत्ति स्वीकृत कर लॉक किया जाना शेष रह जाता है। अतः उक्त कार्रवाई 25 अप्रैल 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करावें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला अंतर्गत एवं संभागीय संयुक्त संचालक संभाग अंतर्गत प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं महत्वपूर्ण सूचना में कि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 31 मार्च को वन क्लिक से 52 लाख विद्यार्थियों को राशि बैंक खातों में अंतरित की गई थी। स्कूल बार एवं विद्यार्थी बार सफल और असफल भुगतान की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा चुकी है। कृपया देख लें और असफल भुगतान होने की स्थिति में कारण का अवलोकन कर बैंक खाते सुधारने की कार्रवाई दिनांक 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, आयुक्त लोक शिक्षा। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, सुझाव लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका